दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल में मैदान पे आया रविंद्र जडेजा का तूफान। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने महज 12 गेंदों में कूट डाले 75 रन, 10 छक्के की मदद से, और गेंदबाजी में भी कमाल किया, 3 विकेट चटकाई। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार ये करिश्मा जड्डू ने कैसे करके दिखाया, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस समय टीम इंडिया लंदन में है, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में 7 जून से लेकर के 11 जून के बीच में WTC का फाइनल मुकाबला होने वाला है, मगर उससे पहले दोनों टीमों के बीच में एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया, जिसमें जड्डू के बल्लेबाजी से गेंदबाजी से थर थर कांपने लगी पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम और कंगारू। दोस्तों पहले तो गेंदबाजी करते हुए जड्डू ने 3 अहम विकेट चटकाए और फिर बल्लेबाजी करने के लिए जब रविंद्र जडेजा की बारी आई टीम इंडिया की ओर से, तो जडेजा ने आते ही महज 12 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन की विस्फोटक नाबाद पारी खेल डाली, जिस दौरान जड़ दिए 10 गगनचुम्बी छक्के और एक चौका। आखिरकार 12 गेंदों पे 75 रन कैसे उड़ सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों गेंदबाज ने जिस दौरान 3 नोबॉल डाल दी, उन पर भी जड्डू ने छक्का लगा दिया और इस तरीके से महज 12 गेंदों में कूद डाले रविंद्र जडेजा ने 75 रन, और दोस्तों ये क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज 75 रन है। दोस्तों आप रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी गेंदबाजी को लेकर के क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।